फिर से सरकार को लाना है, फिर से सरकार को काम देना है, फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है, इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है। इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं, आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो, क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है, लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे, ये धुंधलाहट हटेगी, तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। न सिर्फ सरकार, 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है। और एनडीए एक विश्वस्त आंदोलन बन गया है। देश के अंदर गठबंधन की राजनीति में टेम्पररी खेल नहीं, एक सोची समझी रणनीति के तहत साथ चलने के पूरे इरादे के साथ, और वो सिर्फ बीजेपी कुछ कॉम्प्रोमाइज करते थे नहीं, सब लोग छोड़ते हैं, साथी दल सब कोई कुछ न कुछ छोड़ते हैं, और उसमें से शक्ति पैदा हो रही है। और इसलिए मैं समझता हूं कि एनडीए इस प्रयोग को हमें और अधिक सशक्त करना है। मैं भारत का भावी चित्र जो देख रहा हूं, भारत की एकता अखंडता, भारत के विकास के अंदर इन शक्तियों को जोड़ने के पीछे मेरा सीधी सीधी समझ है, दो प्रमुख, ये हमारी गति की जो दो प्रमुख पटरी हैं जिस पर ये एनडीए देश को आगे ले जाना की ताकत रखता है और सफलतापूर्वक ताकत रखता है। उस दो पटरी, एक है रीजनल एस्पिरेशंस और दूसरी है नेशनल एम्बिशन। इन दोनों का मेल, ये दोनों की पटरी पर देश विकास की गति को पकड़ता है। भारत जैसे देश में नेशनल एम्बिशन, उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी देश को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति उपेक्षा देश के लिए नए संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए प्रबल नेशनल एम्बिशन के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति संतुलित सकारात्मक हमारा आचरण, इन मूलभूत सिद्धांतों के रूप में एनडीए को चलाया है। और जैसे नारा कहते हैं, नारा स्लोगन, लेकिन ये अपने आप में एक नारा है, नेशनल एम्बिशन NA, रीजनल एस्पिरेशन RA, नारा NARA। और इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उस कालखंड से जो यात्रा शुरू हुई अटल जी के आशीर्वाद से, उसमें सबसे बड़ा लुब्रिकेटिंग एजेंट जो है वो है विश्वास, और उसको आगे बढ़ाना हम लोगों का दायित्व है। पीढ़ी बदल गई है, बादल साहब एक हमारे पास, अडवाणी जी पुराने लोगों में, बाकी बाड़ा साहब नहीं है, उद्धव से चला लेते हैं, अटल जी नहीं है, मोदी को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस महान विरासत, उन संस्कारों के कारण हम उसको और ताकतवर बनाते चले जा रहे हैं। और दो चीजें मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कभी न कभी तो देश के पॉलिटिकल पंडित देखेंगे। एनडीए के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारी अमानत है। एक है एनर्जी, एनडीए का दूसरा नाम है एनर्जी, और दूसरा है सिनर्जी।
ये एनर्जी और सिनर्जी एक ऐसा केमिकल है जिसको लेकर के हम सशक्त और सामर्थ्यवान हुए हैं, जिसको लेकर के हमें आगे चलना है। पार्टी की अपने विचारधारा है, पार्टी अपने मैनिफेस्टो है, पार्टी की अपना कार्य संस्कृति है, तभी तो अलग पार्टियां हैं। लेकिन भारत जैसे उज्ज्वल भविष्य के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए इन सबको जोड़ करके चलना ये समय की मांग है, और उसमें आज सफलतापूर्वक अगर कोई गठबंधन चले हैं जिसके हित में, जिसके ध्यान में संपूर्ण प्रणय हिंदुस्तान का ही भविष्य प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में है, उसी का परिणाम है कि हम इसको प्राप्त कर पाए। एनडीए की यही तो ताकत, यही विशेषता है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए, गलती हो जाए, तो एक सर ऐसा चाहिए कि चोट आए तो वही झेल लें ताकि बाकी कंधे सलामत रहे। उस चोट के झेलने के लिए आपने मुझे आज बिठाया है, तो मैं भी अपने आप को उसी रूप में सज्ज करने के लिए अविरत प्रयास करूंगा, और आपके विश्वास पर मैं जरूर खरा उतरूंगा। इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है, और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे, और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना यार उस अखबार में आया है, जरूर मेरा नंबर लगेगा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था, यार राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी।